तीज त्योहार भोग प्रसाद या किसी थाली में सर्व करना हो, मात्र 15 मिनट में बिना कोई मावा या कंडेंस मिल्क यूज किए, बिना चीनी के इतनी गाढ़ी मलाईदार खीर बनकर तैयार होगी कि हर कोई आपकी वाह वाह करते नहीं थकेगा। कुछ जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं जो हमेशा खीर बनाते वक्त आपको जरूर काम में आएंगे, तो आइए बनाते हैं। ये खीर बनाने के लिए हमें ये कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए जिन्हें हमें काटना नहीं है, करना क्या है मैं बताती हूँ आपको आगे। और इसके अलावा हम लेंगे चावल, ये 1/4 कप जितने मैंने बासमती राइस लिए हैं। आप इसके अलावा जो भी घर में रेगुलर चावल यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं, 1/4 कप यानी कि 4 बड़े चम्मच। तो इसे एक बोल में लेके मैं पहले चावल को अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो लीजिए ये रेडी है। इन चीज़ों का यूज़ हमें आगे करना है, बस 2 मिनट के लिए मैं इसको जरा बाजू में करती हूँ। और यहाँ मैंने रखी है एक कढ़ाई, मैं ले रही हूँ 1 लीटर जितना फुल क्रीम मिल्क। अगर आपके यहाँ बफेलो मिल्क आता है तो और भी बेहतर है। दूध आपके पास अगर पहले से उबला हुआ हो तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर की मलाई आपने निकालनी नहीं है। मलाई के साथ उसको इस कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये 1 लीटर जितना दूध हम गैस के ऊपर उबलने के लिए रखेंगे। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है, मैं यहाँ एक बोल में ले रही हूँ मिल्क पाउडर, या फिर आप डेरी वाइटनर यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। नेस्ले का डेरी वाइटनर है, थोड़ा सा मीठा होता है, हालांकि ये भी स्किम मिल्क पाउडर की तरह ही वर्क करेगा। तो ये हमने यहाँ डाल दिया है एक पूरा पैकेट 10 रुपये वाला, और अब ये दूसरा, मतलब 2 पैकेट जितना ये हमने लिया 20 रुपये की मिल्क पाउडर यहाँ आ गई। और अगर चम्मच से नापी जाए तो लगभग 5 या 6 चम्मच जितने मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। आज की हमारी इस खीर को वो बिल्कुल शाही टेक्सचर आए, बिल्कुल ऐसा लगे कि इसमें मावे वाला स्वाद भी आ रहा है, वही लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसकी एक थिक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट ये सूखी मिल्क पाउडर दूध में डालेंगे तो नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि मिल्क पाउडर गर्म दूध के कॉन्टैक्ट में आने से ही गोले बन जाते हैं, गुठलियाँ पड़ जाती हैं। इसलिए इसको ठंडे दूध में घोल कर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। और अब रही बात यहाँ पे जो ये चावल हैं, इनमें हम डालेंगे गरम किया हुआ दूध। ये देखिए दूध अच्छे से गरम हो गया है, इसी में से गरम दूध निकालकर मैं चावलों के अंदर डाल रही हूँ। दूध इतना डालना है कि चावल इसमें आराम से डूब जाए। और अब रहे ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये भी आप इसमें डाल दीजिए, जिसमें मैंने 5 काजू 5 बादाम और कुछ 5-6 मैंने पिस्ते लिए। जो ड्राई फ्रूट्स आपको इसमें स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं। चावल और ड्राई फ्रूट्स गर्म दूध में भिगोने से इनको आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगोना पड़ेगा, जिसे आगे जो हम खीर की प्रोसेस कर रहे हैं वो आपकी लगभग 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 17 मिनट के अंदर पूरी खीर बन करके तैयार हो जाए। आगे यहाँ देखिए दूध काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहा है, दूध को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। अगर आप इसमें केसर वाला स्वाद और बिल्कुल हल्का सा कलर चाहते तो इसी समय केसर डाल दीजिए, दूध के साथ उबलेगा, अपना रंग और अपना स्वाद काफ़ी अच्छे से दूध के अंदर छोड़ देगा। तो दूध को मैंने दूसरी गैस की तरफ शिफ्ट किया है और यहाँ रखा एक छोटा सा पैन, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच जितना घी ले रहे हैं। और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हमें खीर में डालने, काट कर डालने, जो वो हम थोड़े से रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर। तो इसमें ये आ गए 2 चम्मच जितने कटे हुए बादाम, चिरौंजी ले रही हूँ 1 चम्मच जितनी, आप चाहे तो इसमें काजू और पिस्ता भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 से 2 चम्मच जितनी ये किशमिश, जिसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है, बस ये किशमिश फूल जाए, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा कलर अपना चेंज कर ले, ये तैयार है। इसे मैं एक प्लेट में अलग निकाल लेती हूँ। और इस पैन के अंदर थोड़ा सा घी बचा हुआ है, इस घी का करेंगे क्या, कुछ करना नहीं है, इसको वेस्ट ना कीजिए या साइड में पड़े भी ना रहने दीजिए, इसको डाल दीजिए उबलते हुए गर्म दूध के अंदर, इससे तो खीर का टेस्ट बढ़ने ही वाला है। और जैसे जैसे ये दूध उबलता जाता है फ्रेंड्स, ये घी दूध के अंदर इतना अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, और अगर आपने थोड़ा सा लो फैट वाला भी मिल्क यूज़ किया है तभी आपकी खीर को वो क्रीमीनेस रिचनेस इस घी की वजह से मिल जाएगा। तो देखिए हो गया ना मिक्स, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें घी था, और स्वाद का स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो आप ज़रूर ये ट्रिक इस्तेमाल करके देखें। अब आगे तो देखिए सिर्फ 5 मिनट मैंने इसको ढक के रखा था, और आप ड्राई फ्रूट्स की साइज़ देख सकते हैं, फूल चुके हैं, चावल भी अच्छे से गल चुके हैं। गरम दूध अगर आप नहीं डालना चाहते तो गरम पानी डाल दीजिए भीगने के लिए, कोई टेंशन नहीं। और अब मैंने ये मिक्सर जार लिया है जहां ये चावल, ड्राई फ्रूट्स, दूध का मिक्सचर को हम डालेंगे। सिर्फ 2 चम्मच जितने चावल मैंने बोल में ही बचा के रख लिए हैं, क्योंकि अगर पूरे चावल हमने मिक्सी में पीस लिए, मिक्सी क्या करती है, कुछ ज़्यादा ही मिक्सी में वो बारीक हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी खीर में थोड़ा चावल का दाना दिखे भी और थोड़ा मैश भी रहे, इसलिए कुछ चावलों को अगर आप थोड़ा सा अलग निकाल लेते हो और उनको बस हाथ से हल्का क्रश कर देना है, मतलब एक एक के 2 टुकड़े हो जाएंगे बस,
तो ये तो रेडी है और ये जो पीसना है मुझे मिक्सी में, ये भी मैं पीस करके तैयार कर लूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दूध में केसर का रंग बहुत अच्छे से निखर के आ रहा है बिल्कुल। अभी आपको इसमें क्या डालना है, जो चावल हमने हाथ से क्रश किए थे ना वो आप पहले डाल दो, क्योंकि इसमें थोड़े बड़े टुकड़े हैं। इसको पकने में लगभग आपको 2-3 मिनट तो देने होंगे। हाई फ्लेम कर देनी है, इसको ढकना आपने बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको हाई फ्लेम पर 3 मिनट के लिए उबाल लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये अभी अच्छे से पक चुका है, लगभग 80% तक ये कुक हो चुका है जो चावल हमने अभी डाले थे। और जो हमने मिक्सी में क्रश करके रख लिया था ड्राई फ्रूट्स और चावल का पेस्ट, वो अभी हम इसमें मिला देंगे। तो ये जो चावल की पेस्ट हमने यहाँ यूज़ की, देखिए ये बिल्कुल ही महीन हो जाती हैं, और इसीलिए मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप थोड़े से चावलों को हाथ से क्रश करके डालें। और अब ये जो पिसे हुए चावल और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाकर जो हमने यूज़ किया, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, पिसे हुए चावल इस खीर को जल्दी जल्दी गाढ़ापन दे देंगे, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें पीस के डाले हैं इसकी वजह से खीर में वो रिचनेस आ जाएगी, क्रीमीनेस खीर को मिल जाएगा। तो बस इसे और आगे के 5 मिनट के लिए सिर्फ आपको पकाते रहना है। जब तक यहाँ देखिए, आज हम इस खीर को गुड़ के साथ बना रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे, और ये खीर गुड़ डालने की वजह से कहीं फट ना जाए, इस बात का ज़रा भी डर आपके मन में है तो इसके लिए एक सलूशन है। गुड़ डायरेक्टली खीर में ना डालते हुए एक पैन के अंदर मैंने गुड़ डाला, ये हमने आधा कप जितना गुड़ लिया और उतना ही पानी, आधा कप जितना पानी भी डाल दिया। सिर्फ मेल्ट करना है, चाशनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनानी, सिर्फ मेल्ट करना है। ये लीजिए मैंने मेल्ट कर लिया है, और अब हम इसको बाजू में रख देंगे ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। खीर में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गाढ़ापन आ गया है। अभी तो हमने जो मिल्क पाउडर का घोल बना के रख लिया था वो तो हमने डाला भी नहीं है, तब भी इसका टेक्सचर बहुत ही शानदार आ रहा है, और चावल तो पूरी तरीके से 100% कुक हो चुके हैं, ठीक है। और अब आप इसमें मिला दीजिए इलायची पाउडर, ये मैंने डाल दी, इसको मिक्स कर लेंगे, और ये जो मिल्क पाउडर का घोल हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये और थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अगर आप मिल्क पाउडर का घोल जो हमने बनाया था इसको स्किप करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये डालने से आपको एक एक्स्ट्रा क्रीमीनेस इसमें महसूस होगा, और ये और भी पहले से थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी शाही अंदाज के साथ हम खीर बना रहे हैं। अगर ऐसी खीर किसी भी प्रसाद में, किसी त्यौहार पर, या फिर आप भोग के लिए बना रहे हैं तो बहुत शानदार तरीके से ये बनती है, जिसमें स्पेशली चीनी ना हो। जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह तल लिए थे वो भी मैंने खीर के अंदर डाल दिए हैं, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। और अब यहाँ जो गुड़ हमने पिघला के रख लिया था वो आप डाल दीजिए खीर के अंदर, और बस इसको मिक्स कर लेना है। जब आप ये गुड़ का मिक्सचर डालें इस खीर के अंदर, फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, इसको बेहतर तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये आ गई हमारे खीर में मिठास। जो मिल्क पाउडर हमने यूज़ किया एक्चुअली वो डेरी वाइटनर था, वो भी थोड़ा स्वीट होता है इसलिए हमने गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी। तो आप जो मिठास है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम ज़्यादा कर लेना। तो लीजिए, सिर्फ घर की चीज़ें हमने इस्तेमाल की और बड़ी शानदार से बिल्कुल गाढ़ी मलाईदार रबड़ी वाले टेक्सचर वाली खीर बनाकर तैयार कर ली है, जिसमें चीनी को रिप्लेस करके हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, जो आपके लिए अभी एक हेल्दी ऑप्शन भी है। और देखिए हमारी खीर ज़रा भी फटी नहीं है। तो कुछ इन छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो खीर बहुत ही ज़्यादा शानदार बनेगी। बिल्कुल सच सच बताइएगा, खीर देखकर कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया और ऐसा लग रहा है कि बस हम इसे आज ही बना लें। कमेंट करके लिखना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।